सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है ऑटोडेस्क स्टूडेंट। सर्च करने के बाद यहाँ पर टॉप पर लिंक दिखेगी स्टूडेंट एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए हमें स्टूडेंट अकाउंट की जरूरत है। अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया है तो आप साइन इन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर हमें न्यू स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें हमारी कंट्री सिलेक्ट करना होगा। एजुकेशनल रोल हम स्टूडेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशन टाइप हम यूनिवर्सिटी करेंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें हमारा नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। फिल करने के बाद आई एग्री को सिलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारे इंस्टीट्यूट का नेम सिलेक्ट करना होगा, साथ ही इनरोलमेंट डेट और ग्रेजुएशन डेट मतलब कोर्स कंप्लीशन डेट फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस स्टेप पर आपको ध्यान देना है, आप में से मैक्सिमम लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट का नेम शो नहीं हो रहा और हमारा ग्रेजुएशन 2014-15 मतलब 6-7 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने को, तो हम क्या करें। सबसे पहले अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम शो नहीं होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कांट फाइंड योर स्कूल। इस ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो कुछ डिटेल फिल करके आप अपना स्कूल या कॉलेज ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आपके इंस्टीट्यूट के पास अगर कोई इंस्टीट्यूट है या आपके सिटी में दूसरा कोई इंस्टीट्यूट है और जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो कर रहा होगा उस इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सेकंड डाउट आता है कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके 6-7 साल हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट डेट करंट ईयर फिल करना है मतलब 2022 और ग्रेजुएशन डेट नेक्स्ट 4 ईयर मतलब 2025 फिल करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमारी एक स्टेप बाकी है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हम एक बार फिर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। और डिटेल चेक करके कंफर्म कर देंगे। अगर आपके पास आपकी इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी है तो आप यहाँ कंफर्म करेंगे, नहीं तो कैंसिल करेंगे। बट यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिस पर हमारा नेम, इंस्टीट्यूट नेम और इनरोलमेंट डेट मेंशन होगा। यहाँ पर हम कॉलेज आईडी कार्ड अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे। अब हमारा अकाउंट पूरी तरह से बन चुका है। यहाँ वैलिडिटी दिखेगी 2 फरवरी 2023। अब हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दिखता है ऑटोकैड फॉर विंडो एंड मैक। हमें यहाँ पर ऑटोकैड फॉर विंडो लेना है, उसके लिए गेट प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर दूसरे वर्जन भी ले सकते हैं, जैसे कि 2019, 2020, 2021, और सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। हमें आई एग्री को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर को कहाँ पर इंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमें यहाँ साइन इन करना होगा, उसके लिए साइन इन विद योर ऑटोडेस्क आईडी पर क्लिक करेंगे।
जिस ईमेल आईडी से हमने स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी से हमको यहाँ साइन इन करना है। हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डुअल मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे फोन में इंस्टॉल करके ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल बाद हम वैलिडिटी को रिन्यू कर सकते हैं और जब तक हम स्टूडेंट क्राइटेरिया में आते हैं तब तक हम ऑटोकैड को एक्सेस कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।